नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आज के मेष राशि फल के बारे में कि आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। यदि व्यवसाय परिवर्तन संबंधित योजना बना रहे हैं तो उस पर काम करने का अनुकूल समय है। आपका संतुलित और सकारात्मक व्यवहार आपको किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। आप अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने से कई बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। समय आपके अनुकूल चल रहा है, भविष्य संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी। जी हां दोस्तों, गंभीरता से जीवन के मूल्यों का अवलोकन करें। किसी भी तरह का लेन देन करते समय भावनाओं और संबंधों को मध्य न आने दें, वरना भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। इस समय अपने विरोधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। किसी भी गलत बात पर गुस्से के बजाय सूझबूझ से काम लें, अन्यथा परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। और साथ ही व्यवसाय को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन मिलेगा और व्यवसाय संबंधित कोई समस्या हल हो सकती है। लेकिन निवेश को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, साथ ही स्टाफ की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी और लक्ष्य को हासिल करने में कोई व्यवधान भी आ सकता है। कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था बनाए रखें, साथ ही कर्मचारियों के सुझावों पर भी ध्यान दें। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधित गतिविधियों में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना रहेगा, इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। किसी अन्य के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें, वरना रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अपने साथी से रोमांस का इजहार करें, इससे आपको सुकून मिलेगा और साथी की बातों को थोड़ी अहमियत भी दें, इससे आप दोनों के मध्य प्यार बढ़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे कि इम्यून सिस्टम की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखना जरूरी है। यदि कोई परेशानी बड़ा रूप ले लेती है तो किसी डॉक्टर से सलाह लें और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें और प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें।